सहारा इंडिया के एमडी और शाखा प्रबंधक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। यहां जाने पूरा मामला। जिला उपभोक्ता फोरम ने गुरुवार को सहारा इंडिया के एमडी और शाखा प्रबंधक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह मामला एक निवेशक को राशि नहीं लौटाए जाने से जुड़ा है। पूर्व में सहारा इंडिया को राशि लौटाने का आदेश दिया गया था, परंतु ऐसा नहीं होने पर इसे अवमानना मानते हुए वारंट जारी किया गया है। बिहार के बक्सर में जिला उपभोक्ता फर्म ने गुरुवार को सहारा इंडिया के प्रबंध निदेशक समेत जुमराव की शाखा प्रबंधक को तत्काल गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया है। मामला सहारा इंडिया में एक निवेशक के मामले की सुनवाई से जुड़ा है। सहारा इंडिया पर कोर्ट ने आदेश की अवमानना के मामले में दोनों को गिरफ्तार करने के लिए एसपी को निर्देश दिया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए परिवादी के अधिवक्ता विष्णु दत्त द्विवेदी ने बताया कि जुमराव के अयोध्या सिंह की गली निवासी सुदर्शन प्रसाद ने सहारा इंडिया जुमराव शाखा में निवेश किए गए रुपए की प्राप्ति के लिए जिला उपभोक्ता आयोग में अपना परिवाद दाखिल किया था। 45 दिनों की अवधि बीत जाने के बाद भी विपक्षियों ने शिकायत करता की राशि जब नहीं लौटाई, तब परिवादी ने उक्त आदेश को लागू कराने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग में आवेदन दाखिल किया। इसकी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सह अधीक्षक जिला उपभोक्ता आयोग की खंडपीठ ने दोनों विपक्षियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।